Hello and welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakravarti and in today's video we will learn how to write an application. आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन कैसे लिखें ये सीखेंगे. एप्लीकेशन व्यवहारिक जीवन में या परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. हमें एग्ज़ाम में चाहे मैट्रिक हो इंटरमीडिएट हो एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा ही जाता है. साथ ही व्यवहारिक जीवन में भी हमें कई बार एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है. तो सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो आप भी अच्छा एप्लीकेशन लिख सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि एक एप्लीकेशन के कितने भाग होते हैं. सबसे पहली बात, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन. किसी भी एप्लीकेशन में 7 हिस्से होते हैं, 7 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं. सबसे पहली चीज, पहला हिस्सा है इनसाइड एड्रेस. ये इनसाइड एड्रेस क्या है? यहाँ हम जिस ऑफिस को पत्र लिखते हैं उसके विषय में बताते हैं, उसका पता होता है वो. फिर दूसरा होता है हिस्सा सब्जेक्ट, हम किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो बताया जाता है. तीसरा है सैल्यूटेशन, यहाँ पे हम लोग उस ऑफिस के जो हेड हैं जिनको हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको संबोधित करते हैं. चौथा हिस्सा है मेन बॉडी, यहाँ हम अपनी मुख्य बात को रखते हैं. हम जिस विषय में एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस विषय को संक्षिप्त और सिंपल सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं. चार के दो हिस्से और भी हैं. एक है मेकिंग रिक्वेस्ट, ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम एप्लीकेशन के विषय के संबंध में निवेदन करते हैं. और बी है शोइंग ऑब्लिगेशन, जब हम लोग धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं. पांचवा हिस्सा क्लोजिंग का है, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को बंद करते हैं. इसके नीचे सिग्नेचर में हम लोग इसको लिखते हैं, एप्लीकेशन देने वाले का नाम और पता सिग्नेचर में, और इन सब के सामने डेट, एप्लीकेशन देने की तारीख ये लिखी जाती है. तो ये वो 7 हिस्से हुए. अब ये 7 हिस्से पन्ने पर किस तरह से लिखे जाएंगे, पन्ने पर किस तरह से सजाए जाएंगे, उन चीज़ों को देखते हैं. एक पन्ना ही है, ठीक है. और ये ऊपर वाला हिस्सा हेडर, ये वाला हिस्सा रूलर, और ये फूटर, और बीच वाला स्पेस जो है हम लोग का ये राइटिंग स्पेस हो गया. तो पहला हिस्सा यहाँ बाई ओर टॉप पर लिखा जाएगा इनसाइड एड्रेस, उसके नीचे होगा सेकेंड हिस्सा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड नंबर में आएगा सैल्यूटेशन नीचे, फिर पैराग्राफ चेंज करके आप मेन बॉडी लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके आप ए यानी कि मेकिंग रिक्वेस्ट यहाँ करेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करने के बाद बी यानी कि सोइंग ऑब्लिगेशन लिखेंगे, फिर यहाँ दाहिनी ओर नीचे आप क्लोजिंग लिखेंगे, और क्लोजिंग के ठीक नीचे सिग्नेचर, और इसके ठीक सामने बाई ओर आप डेट लिखेंगे. दीज आर द 7 पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन. अब आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनसाइड एड्रेस को आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया आपको बोर्ड पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कि टू द प्रिंसिपल MPS कॉलेज बेतिया, या फिर आप टू को हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं द प्रिंसिपल MPS कॉलेज बेतिया. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अक्षर जो लिखे गए हैं उन पर ध्यान देना है. टी भी कैपिटल, यहाँ भी टी कैपिटल, पी कैपिटल, इन अक्षरों पर ध्यान रखना है, इनको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है. दूसरा हिस्सा है हमारा सब्जेक्ट यानी विषय, तो इसको आप लिखेंगे इस तरह से, सब्जेक्ट एप्लीकेशन लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो लिख देंगे फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है. अच्छा, तीसरा हिस्सा वो है हम लोग का सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या फिर सिर्फ सर. यहाँ भी ध्यान रखना है कि सभी कैपिटल से शुरू हो रहे हैं, डियर एस, सर का एस, रिस्पेक्टेड का आर, सर का एस, ये आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है. इसके बाद शुरू होता है आपका चौथा यानी कि मेन बॉडी. मेन बॉडी में अपनी बात को संक्षिप्त में और सिंपल सेंटेंसेस में रखने का प्रयास करना है. एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो जो पुराना तरीका था
विद ड्यू रिस्पेक्ट या फिर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, इस तरह का सेंटेंस अब प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अपनी बात को हम लोग सीधा रखते हैं, स्पष्ट रूप से रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर आर्ट्स ऑफ योर कॉलेज। अपनी बात को यहाँ से शुरू करें, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर आर्ट्स ऑफ योर कॉलेज, ऐसे अपनी बात आगे रखें। फिर आपने मेन बॉडी के अंतर्गत ए और बी दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था मेकिंग रिक्वेस्ट और एक था ऑब्लिगेशन, शोइंग ऑब्लिगेशन। तो मेकिंग रिक्वेस्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू, अब जो विषय होगा उसको यहाँ चढ़ा देंगे। और शोइंग रिस्पेक्ट ऑब्लिगेशन वाला में, शोइंग ऑब्लिगेशन में आप करेंगे क्या, थैंक यू लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख दे थैंक यू, या पुराना तरीका वो भी लिखा जा सकता है, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। ये चार हिस्से हो गए। अब आते हैं हम लोग पांचवें नंबर पे। तो पांचवा हिस्सा जो है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग जो है वो आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, भूल कर भी योर मोस्ट ओबीडियंट पुपिल, योर मोस्ट ओबीडियंट पुपिल ये नहीं लिखेंगे। फिर छह में आ जाइए, सिग्नेचर, इसका भी एग्जाम्पल समझाएं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए नीरज कुमार लिख रहे हैं, तो नीरज कुमार रोल नंबर 8 सेक्शन बी सेकेंड ईयर आर्ट्स, यहाँ पे सिग्नेचर के साथ आपको वैसा पता देना है, संस्थागत पता देना है, ताकि उस संस्था से संबंध आपका समझ में आ जाए। और फिर डेट लिखेंगे, डेट का भी एक एग्जाम्पल लगाया हुआ है, May 4th, 2021, आप सिंपली डेट लिख देंगे। तो ये हम लोग का एक एप्लीकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ वन बाय वन एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग खुद करके देखते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के देखते हैं, ठीक है, कि एक एप्लीकेशन आखिर हम लिखेंगे कैसे इन सब का प्रयोग करते हुए। आइए, नाउ हियर वी हैव एन एप्लीकेशन, इट इज एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे उन जो पार्ट्स आपको बताए गए थे उनका प्रयोग करते हुए यहाँ बनाया है, गौर से देखें। टू द प्रिंसिपल MPS कॉलेज बेतिया, सब्जेक्ट फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डियर सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर आर्ट्स ऑफ योर कॉलेज, आई हैव पास्ड द फाइनल एग्जाम हेल्ड इन 2021 इन फर्स्ट डिवीजन, आई विश टू गो टू पटना फॉर हायर स्टडीज, आई हैड बीन अ रेगुलर स्टूडेंट इन दिस कॉलेज एंड देयर आर नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हो गया, अब ये रिक्वेस्ट हो गया, और आएगा ऑब्लिगेशन, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, योर्स ऑबिडियंटली नीरज कुमार रोल नंबर 08 सेक्शन बी सेशन 2019-21 आर्ट्स 4th May 2021। दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन राइट एन एप्लीकेशन, जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड रीड इट yourself. You will find all the 7 parts here. This together mixed will make a good example of an application. अगर आप थोड़ी सी practice करें तो you too can write good applications. Okay? Keep watching and keep studying. Thank you.